हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ। तो गाइस, मैं आई नो कि मैं बहुत ही इरेगुलर हो गई हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत चाप है मेरे ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो चुकी हूँ। सो प्लीज एडजस्ट दिस, ठीक है। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं मेकअप में शॉपिंग कर रही हूँ। ज़्यादा तो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदू, लेकिन थोड़ा बहुत खरीदी हूँ, ठीक है। तो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया है, मैं आज न्यूली परचेज प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर मेरे को ये प्रोडक्ट कैसे रिसीव हुआ है, ठीक ठाक है या नहीं। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को इंट्रो को ज्यादा ना लेंदी करते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज प्राइमर गाइस। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि मेरे पास कोई प्राइमर नहीं है। ऑल टाइम मैं पतंजलि के एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज करती थी, तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड थी, तो मैंने ये परचेस कर ली है। ये है एनवाई मेकअप प्राइमर। तो गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जितने भी प्रोडक्ट परचेस करी वो सब अंडर 200 रुपीज का है। तो ये इसका प्राइस इसके स्क्रिप्ट में लिखा है 215, लेकिन मुझे रिसीव हुआ है 168 रुपीज में, विच इज वाओ, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा ऑफर। लेकिन इसका साइज जो है बहुत टीनी है, इतना छोटू सा है साइज इसका। तो गाइस इसमें आपको मिलता है 15 ग्राम्स, एंड इसका यस देख लो जो जो लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस ठीक ठाक है, उतना कुछ ज़्यादा कम नहीं है। तो ये है एनवाई मेकअप प्राइमर। इसका टेक्सचर देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम फॉइल से सील है, मैं इस पहले ऐसे होल्ड कर चुकी हूँ, तो आप देखते इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे लूंगी, एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये बिल्कुल भी नॉन ग्रीजी और नॉन स्टिकी है। अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करना, ये बिल्कुल भी स्किन को ऑयली नहीं करता है, एंड ये आपके फेस पे एक नेचुरल सा एक लाइट सा एक शाइन प्रोवाइड करता है। इसमें लिखा भी है, देखो, gives instant glow, blends like a dream, hydrating in nature। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। इसका टेक्सचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आपका ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरा है कॉम्बिनेशन स्किन, तो आपके स्किन पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो गाइस, अगर आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो जरूर आप एक बार इस प्राइमर को ट्राई करना। आई थिंक ये बहुत अच्छे से ओपन पोर्स को फिल इन करता है, क्योंकि मैं इस यहाँ पर अपने हैंड पर अप्लाई करी, बहुत ही स्मूथ हो गया है मेरा हैंड, इस जगह से इस जगह बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया, एकदम बटर स्मूथ हो गया, ठीक है। आपको इन सारे प्रोडक्ट लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड ये सारा प्रोडक्ट मैंने परचेस करी हूँ फ्लिपकार्ट से, तो मैं फ्लिपकार्ट का लिंक ही आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ही जो मैंने परचेस करी हूँ वो है लैकमे का ये कॉम्पैक्ट। ये जो है न्यूली परचेस हुआ, इसके जैसा बिल्कुल सेम और एक कॉम्पैक्ट था जो है ब्राउन कलर का था, जो मैंने पहले बहुत पहले यूज करी हूँ। देन मुझे कॉम्पैक्ट की जरूरत थी, एज यू ऑल नो कि मैं लूज पाउडर और टैल्कम पाउडर से मैं अपना मेकअप करती थी, तो मुझे कॉम्पैक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने शायद सोचा कि ये न्यू है, तो मैं आपके साथ ये रिव्यू भी शेयर कर दूंगी, एंड आपको दिखा भी सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है। तो गाइस, इसका प्राइस जो है लिखा है पैकेज पर 160 रुपीज फॉर 9 ग्राम्स, लेकिन मुझे ये रिसीव हुआ है 144 रुपीज में, 16 रुपीज लेस हो गया है। तो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है, बाहर की तरफ जो है ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ये अंदर की तरफ आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर आप इसका ब्राउन वाला ट्राई कर चुके हो तो आपको मालूम होगा, बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, वहाँ पर ब्राउन था, यहाँ पर जो है पिंक हो गया है। यू कैन सी यहाँ पर जो है इसका सब कुछ लिखा है डिटेल्स। तो इसका अंदर क्या है मैं अभी चेक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिरर, अगर आप पहले वाले यूज कर चुके तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मिरर अच्छा सा, जिसमें आप अच्छे से अपने मेकअप को कर सकते हो, एंड ये फॉर एंड ये हैंडी भी बहुत है, आप कहीं भी ले जा सकते हो। यहाँ पर आपको मिल रहा है इसके साथ एक पफ, जो उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। एंड ऐसा एक पेपर जो इसको जो अलग करके रखा था, एंड ये है कॉम्पैक्ट। इसमें मेरा शेड है शायद पर्ल, आई डोंट नो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बट मैं देख के बोलती हूँ, मैं देख के। तो गाइस, इसमें मैं अपना शेड जो है अभी जो ढूंढ नहीं पा रही हूँ, लेकिन लैक्मे का फाउंडेशन में मेरा शेड था पार्ल, तो शायद ये भी पार्ल ही होगा, क्योंकि ये सबसे लाइटर टोन का है, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको स्वचेस करके दिखाती हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है, देखो ये बहुत अच्छे से जो है मेरे स्किन पे क्या कहते हैं, क्या यार, कुछ
भी हो, ठीक है, लाइक ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन पे जो है ब्लेंड हो चुका है, यू कैन सी, ठीक है। तो आप अगर आप इसे बाय करना चाहते हो फ्लिपकार्ट से, देन फ्लिपकार्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेकआउट करना। एंड आपको ये शायद एक बार ट्राई करना भी चाहिए, ये बहुत अफोर्डेबल है, एंड प्लस इसका साइज भी लाइक इसका क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही है इसके प्राइस के हिसाब से, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट से जो मैंने परचेस करी हूँ वो है ये पाल इल्यूमिनेटर। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, लाइक अभी शादी का सीजन चल रहा है तो मुझे मेकअप करने के टाइम लाइक बहुत ग्लोई सा बेस चाहिए, फिर नॉर्मल डेज में भी लाइक सिर्फ ग्लोई सा बेस चाहिए, तो मैं इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैं इसे परचेस करी हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का, फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी पाल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। इसमें मेरा सेट है 01 गोल्डन पिंक। इसका प्राइस है 188 रुपीज एंड इसका क्वांटिटी है 35 ग्राम, विच इज गुड, लाइक बहुत ही गुड एनफ है। तो इसका क्वांटिटी लाइक रॉन्ग साइड से मैं खोल रही हूँ, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ट्यूब फॉर्म में जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, ये बहुत ही हैंडी भी है, लाइक ये बहुत अच्छा है। मुझे इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा एंड ये थोड़ा जो है एल्यूमिनियम के जो है लाइक ऐसा कुछ जो है इससे बना है, एंड ये भी लाइक एल्यूमिनियम और प्लास्टिक टाइप ही कुछ है। पैकेजिंग तो इसका बहुत ही बढ़िया है एंड इसका प्रोडक्ट जो है ऐसे ट्यूब फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बहुत ही टाइनी सा एक छोटू सा एक होल है जिसकी मदद से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा अमाउंट में आपको ऐसे लेना है, लाइक इसके इसके लाइक खाम पे भी ऐसे लिखा है कि आपको इसे कैसे यूज करना है। स्टेप वन इज फर्स्ट रिमूव द अमाउंट ऑफ द फ्लड इन द बैक ऑफ द हाईलाइट ऑन, लाइक ऐसे आप ऐसे हाथ में निकाल लो, देन यूज फिंगर डिप इन सम वाइपिंग नीड टू ब्राइट इन द एरिया, लाइक आप ऐसे देन आपके फिंगर्स को यूज करो, देन आपको जहां जहां लगे आपके नोज पे चिक्स पे जहां जहां जरूरत है वहां पर अप्लाई करो, ठीक है, याद रखना आप इसको इसे मेकअप के पहले ही अप्लाई करना है। स्टेप थ्री अ सिंपल टू स्टेप टू रिफाइन थ्री डिमेंशनल लुक, ठीक है, लाइक इग्नोर माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। वन टिप्स भी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है यू कैन ऑल्सो वाइप द क्लेविसल एंड एक्सपोज पोजिशन कैन मेक द बॉडी मोर सेक्सी साइन, लाइक आप इसे ऐसे अपने बॉडी पर लाइक अपने बॉडी के हाइस्ट पॉइंट पर भी ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे साइन सा लाइक ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आप देखो मैं बहुत ही कम अमाउंट अप्लाई करूँ, ठीक है। इसे आपको ऐसे बॉडी पे लाइक अगर आप ऑफ शोल्डर या फिर स्लीवलेस कुछ टॉप्स वगैरह साड़ी एवरीथिंग एनीथिंग कुछ भी अगर पहन रहे हो तो आप इसे अपने बॉडी पे भी ऐसे हाइलाइटर की तरफ यूज कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही सेक्सी सा हॉट सा लुक मिलेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जो है ये ब्रश है, मेकअप ब्रश, जिसे मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, लाइक इसमें जो लाइक फ्लफी ब्रश है आई मेकअप के लिए, उस ब्रश को जो है मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, लाइक मुझे अभी जो है ना बहुत ही फेस आर्ट का नशा लग गया है, लाइक मुझे फेस आर्ट करने के लिए इन सारे ब्रश को जो है बहुत ही ज़्यादा नीड थी, इसलिए मैं ये ब्रश परचेस करी हूँ। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फिर से बता दूँ कि ये सब जो प्रोडक्ट मैं परचेस करी हूँ ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसे अपने खुद के पैसों से बाय करी हूँ, ठीक है। एंड ये सब प्रोडक्ट जो है अंडर 200 रुपीज़ है, लाइक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जिसे आप खुद भी बाय कर सकते हो, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो को भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मुझे रिसीव हुआ है लाइक आई मेकअप के लिए जो है 5 ब्रशेस, आई मेकअप के लिए ऐसे 5 ब्रशेस, फ्लफी ब्रश काइंड ऑफ ऐसे 5 ब्रशेस मुझे जो है रिसीव हुआ है। लाइक आई मेकअप के ब्रश उतना तो कुछ खराबी नहीं है, लाइक ठीक ठाक ही है इसका प्राइस के हिसाब से। बाय द वे इसका प्राइस है 165 रुपीज, जिसे मुझे रिसीव हुआ है 5 आई मेकअप ब्रश और 5 ऐसे फेस मेकअप ब्रश। लाइक फेस मेकअप ब्रश कुछ देखो ठीक ठाक नहीं है, मैं इतना भी ज़्यादा क्या बोलते हैं कुछ नहीं उस ब्रश से, देखो ऐसे लाइक पैकेजिंग ठीक ठाक ही था लेकिन थोड़ा सा ड्रैपिंग में प्रॉब्लम था। आई थिंक हर एक ब्रश को जो है अलग अलग पैकेजिंग करना चाहिए था, इसलिए देखो ये कैसा हो गया। लाइक ये है ब्लश ब्रश, ठीक है, ब्लश अप्लाई करने के लिए ब्रश है, लेकिन ये देखो ऐसे 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 हो गया, इसे ऐसे रहना चाहिए था, पैकेजिंग उतना तो ठीक ठाक नहीं था, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ये है कॉन्टोर ब्रश, ये मेरे फेस के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि मेरा छोटा फेस है तो मुझे कॉन्टोर करने में आसानी होगी। एंड गाइस इन तीनों ब्रश में से इसका हालत जो है बहुत ही खराब था, इसका ब्रिसल जो ऐसे फैला हुआ था, तो मैं ऐसे 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 करके जितना हो सके मैं अंदर कर पाई, लाइक मैं इस ब्रश से उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। यू कैन सी देखो ऐसा ब्रश कैसा हो रखा है। आई मेकअप ब्रश उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ब्रश को देखो ऐसे मुझे ग्लू से चिपकाना पड़ेगा, ये ऐसे निकाल गया, मुझे इसे ग्लू से चिपकाना पड़ेगा अच्छे से। आई मेकअप ब्रश ठीक ठाक ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फेस ब्रश में थोड़ा सा लाइक पैकेजिंग के गलती की वजह से ये सब जो है हुआ है,
और हाँ 165 रुपीज में आपको 10 ब्रश मिल रहा है, और कितना देगा ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये है क्या है, ये है, ये है, मैं बोल रही हूँ लाइक इसमें क्या क्या है मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे कॉन्ट्रोल ब्रश, क्योंकि देखो ये ऐसे एंगल होके रखा है, ये कॉन्ट्रोल ब्रश है, ये दोनों आई थिंक जो है फाउंडेशन ब्रश है, एंड ये है ब्लश ब्रश। ये मुझे पता ही है ब्लश ब्रश ऐसे अप्लाई करने में आसानी होगी, लेकिन ये जो ऐसे फ्लैट हो चुका है पैकेजिंग की प्रॉब्लम की वजह से। एंड ये लाइक ऐसे कंसलर या फिर कॉम्पैक्ट ऐसा कुछ होगा ठीक है, आप जैसे चाहो उसे यूज कर सकते हो। तो इतना सारा ब्रश जो है मुझे मिला है, अब मैं जो है फेस आर्ट करूंगी, लाइक मैं बहुत ज्यादा दीवाना हो चुका हूँ फेस आर्ट का, तो अब मैं फेस आर्ट करूंगी इन ब्रश की मदद से। सो देखते हैं इन ब्रश को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, ये अच्छा है या फिर नहीं। मुझे लाइक ठीक ठाक लग रहा है, लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है, ये मेकअप फिक्सर, लाइक ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है गर्ल्स के बीच में, विच इज स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका प्राइस है ओनली 180 रुपीज फॉर क्वान्टिटी किधर है भाई, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा भैया, इसका क्वान्टिटी किधर है, चलो इसे खोल के देखती हूँ अंदर इसका क्वान्टिटी मुझे दिख जाए। लाइक उतना ज्यादा बड़ा नहीं, छोटू सा है, लेकिन ठीक ठाक है। आप कितना अप्लाई करोगे, तो इसका क्वांटिटी जो है मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये है एलोवेरा विथ विटामिन ई के साथ, विच इज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसका यहाँ पर जो है यूजेस एंड डायरेक्शन एंड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूज्ड एंड डायरेक्शन, मेकअप फिक्सर यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर मेकअप इज टू सेट योर मेकअप सो दैट इट कैन स्टे लॉन्गर एंड नॉट बी वाइप्ड ऑफ विथ टच ऑफ हैंड्स और रन ऑफ विथ पर्सपिरेशन। स्प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड लेट इट ड्राई बिफोर अप्लाई मेकअप और टू सेट मेकअप स्प्रे आफ्टर अप्लाइंग मेकअप ठीक है। इंग्रेडिएंट्स इसमें है फिक्सिंग ग्लू, विटामिन ई जो कि यहाँ पर भी लिखा है विथ विटामिन ई, प्रोप्रिलेनी ग्लाइकोल एलो फ्रेग्रेंस एंड प्यूरिफाइड वाटर मेथली परबन। तो गाइज आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो जस्ट इग्नोर दैट ठीक है। तो आप ही खुद पढ़ लो या फिर आप बाय कर लो देन वापस पढ़ लो ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इसे अब भी जो है ट्राई करूंगी, ऐसे स्प्रे ऐसे शेक करूंगी पहले। एंड इसका फ्रेग्रेंस ठीक ठाक है, उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं उतना ज्यादा खराब भी नहीं है। एंड गाइस मैं अभी जो है अपनी आंख नहीं खोल पा रही हूँ, क्योंकि आंखों के ऊपर भी मैं स्प्रे कर चुकी हूँ, तो अगर मैं आंखें खोलूंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बिना आंखें खोले ही बात कर रही हूँ ठीक है। एंड गाइस बताओ कि आज मेरा मेकअप कैसा हुआ है, मेरा लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक आई मेकअप तो मैं कुछ नहीं करा हूँ, लाइक ऐसे इनर कॉर्नर से थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पर जो है पर्पल आई शेडो से मदद से करी हूँ, एंड लिपस्टिक भी है मेरा पर्पल, एंड ड्रेस थोड़ा सा पर्पल काइंड ऑफ भी है, लाइक आज मैं पर्पल हो चुकी हूँ ठीक है, बीटीएस वाला पर्पल मत समझना। बताओ कि आज मेरा मेकअप कैसा हुआ है। तो गाइस ये फिक्सर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यू कैन सी मेरा मेकअप कैसे स्टे हो चुका है। अब मैं देखूंगी कि ये मेकअप कितने देर तक टिकेगा, देन मैं आपको बाद में रिव्यू अच्छे से दूंगी ठीक है। तो गाइस ये सारा प्रोडक्ट जो है लाइक ये 5 प्रोडक्ट्स जो है मैं न्यू परचेस करी हूँ, एंड आई नो ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कम है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपको ये शेयर कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है मेकअप के लिए, तो मुझे जितना पैसा मिला मैं मेकअप में इन्वेस्ट कर दी, लाइक इसमें मुझे 1000 रुपीज चला गया ठीक है, 1000 से ज्यादा भी शायद चला गया, लाइक याद नहीं है, ये डिलीवरी चार्ज मार्च लेके चला गया है ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इनका अलग अलग से रिव्यू करूँ और डेमो दिखाऊँ, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं जरूर आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी, एंड मैं बहुत जल्दी ही इन सारे प्रोडक्ट को यूज करके मेकअप लुक क्रिएट करूंगी। तो मैं न्यू क्या मेकअप लुक इन सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके ट्राई करूंगी, वो भी आप देख पाओगे। एंड वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना ठीक है, लाइक आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और अपने कजन्स फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार ब्ला 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 सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, 100 सब्सक्राइबर्स नीड है ठीक है। एंड हाँ गाइस आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर जाके फॉलो करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।